think of me when you close your eyes and tell me what are you dreaming? Hey everyone, welcome back to the new vlog. Sunday video के लिए हम जा रहे हैं शूट पे. देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं. मैंने पहना आज कुछ ट्रेडिशनल, सो लेट्स गो. इस इलाके का नाम है कटोरा तालाब. करने तो मैं यहाँ आई थी वियर्ड फूड चैलेंज पर. वियर्ड फूड ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, तो वियर्ड नेम फूड हम खाएंगे आज. टू एंड लास्ट वन. और ये रहा मेरा साथी जो कि इस व्लॉग में और भी इंटरेस्टिंग चीज करेगा, है ना. इस व्लॉग को मिर्च मसाले डालने के लिए हमारे साथ है ढंचड़ा. मुझे आयुषी पार्टी दे रही है इसलिए आया हूँ मैं, वरना नहीं आता. थैंक यू ढेर सारा प्यार देने के लिए पिछला वीडियो को, जो जो नहीं देखा जाके देख. और मैं हील्स वगैरह मैं पहनती नहीं हूँ. डिंग 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 हो रही हूँ. लोग देख के मेरे को हंस भी रहे होंगे. हम आ गए मिनियंस की दुनिया में. आप सभी का स्वागत है. ये मिनियंस की दुनिया का दरवाजा है. एंट्री. फिर आगे आएगी हमें डस्टबिन वाला मिनियन मिलेगा. इसके अंदर आप कचरा डाल सकते हैं और ये वाला दरवाजा में आप पोज दे सकते हैं. मिनियन की दुनिया का खत्म हो गया है. शुरू होते ही खत्म हो गया. तुमने मेरे लिए क्या ऑर्डर किया? मैंने खुद के लिए ऑर्डर किया, तुम्हारे लिए नहीं करा है. हमने ऑर्डर किया है वेज कुरकुरे मोमोज. बोलने तो आ नहीं रहा. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल ईट वेज कुरकुरे मोमोज. लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा होता है एंड आई विल लेट यू गाइस. मेरे को तो डर लग रहा है, पैसा वेस्ट करने में अखर जाता है. अगर पता ना हो कि कैसा टेस्ट है और ऑर्डर कर दो और अगर एकदम बेकार हो तो फिर बहुत दुख होता है, दिल से बुरा लगता है. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. मैं इसलिए एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करता हूँ. मैं जो जहाँ पे मैं रोज खाता हूँ वहीं पे खाता हूँ, वहीं डेली वही चीज खाऊंगा. सेम भले सेम जाओगे आप उसके साथ रहोगे तो वही वही चीज खिलाता है यार. कम से कम मैं वेस्ट तो नहीं करता. ये तो क्या क्या मंगाती उसके बाद खाती नहीं है, फेंक देती है. फूड वेस्टेज इज बिग थम्स डाउन. यहाँ पे मिलते हैं आइसक्रीम डोसा, चॉकलेट डोसा, ओरियो डोसा. ये पर ये किड्स के लिए है, बट आई वांटेड टू ट्राई दिस पाइनएप्पल डोसा. डोसा का तो धजिया उड़ा दिए हैं पूरे दुनिया के लोग. साउथ इंडियन लोग नॉर्मल डोसा बनाए थे, कोई आइसक्रीम डाल रहा है, कोई चॉकलेट डाल रहा है डोसा में. अरे किड्स लोग खाएंगे करके, यू नो किड्स वैरायटीज चाहिए रहता है किड्स को. तुम तो एक किड हो ना, जाओ बोलना आइसक्रीम डोसा दे दो भैया एक और एक चॉकलेट डोसा भी. कौन खाता हो? बच्चे लोग सब खा लेते हैं. बच्चे लोग को थोड़ी पता कि कैसे रहता है टेस्ट, क्या नहीं रहता है, थोड़ी पता रहता है बच्चों को. आजकल तो भाई हर चीज में चीज भर भर के डाल देते हैं और कुछ नहीं. ये देखो ये आरसी का पुराना वाला फोन है और इसने इसका क्या हालत कर दिया. देखो बीच से इसका लाइन आ रहा है. मेरे टाइप का फोन है. तुम्हारे टाइप का मतलब टूटा फूटा. हमारा कुरकुरे मोमोस आ गया है. ये कुछ ऐसा दिख रहा है. मुझे लगा था कि कुरकुरे रहेगा मोमोस के अंदर. कुरकुरे मतलब कि क्रंची गोचू. कुल मिला के एक्स्ट्रा क्रंची मोमोस है ऐसा मुझे लग रहा है. लग रहा है इसे पसंद नहीं आया. दिस इज सो ऑयली. आई डोंट लाइक ऑयली थिंग्स. तुम्हारे लिए बहुत बेटर है ऐसी चीजें खाते हो. मेरे लिए बेटर? देखा मैंने बोला था ना ये कुछ भी मंगा लेती है और भी इसके बाद खाती नहीं. फिर बोले कि तुम ही खाओ तुम खाओ. गौर से देखिए ये है पछताता हुआ चेहरा. इंसान जब पछताता है ना कुछ चीज करने के बाद. ये कुरकुरे मोमोस मंगा के पछता रही है आरसी. मंगा तो ली अब खुद ही खाई. अच्छा तो ये था चॉकलेट डोसा. हमारा पहला चैलेंज तो पूरा फ्लॉप हो चुका है क्योंकि कुछ अपन खा नहीं पाए और फिर अपन पार्सल करा रहे हैं वो देखिए. अभी हम आ चुके हैं टेस्ट ठीक करने. मुझे मेरे मुंह का टेस्ट एकदम बहुत ज्यादा ही खराब हो गया. हाँ तो क्या तुम अकेले खाओगे? इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता. जाओ ना आइसक्रीम डोसा और कुरकुरे मोमोस खाओ. जाओ कुरकुरे मोमोस खाओ. वियर चैलेंज तो हमारा फ्लॉप गया. लाइक ना स्ट्रीट फूड ही बेस्ट होता है. दैट इज द रीजन वी डोंट डू वियर चैलेंज. हमने सोचा था कि हाँ करेंगे, बट आप लोग कमेंट करो अगर आप लाइक चाहते हो कि हम करें तो हम सक्सेसफुली एक बड़ा वीडियो बनाएंगे वियर चैलेंज के ऊपर. वियर फूड चैलेंज के ऊपर. ओके मेरा तो सारा वीडियो वियर्ड ही रहता है ना क्योंकि मैं खुद ही वियर्ड हूँ. वियर्डेस्ट गर्ल एवर. वी आर ऑन ऑक्सीजन पार्क. वो मोमोज खा के ना दिमाग ही सनक गया. मतलब ना पूरा मूड खराब हो गया यार वीडियो बनाने का. सच्ची बता रही हूँ बेकार नहीं मतलब खाने लायक था.
था पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी था, वर्थ इट नहीं लगा क्योंकि मैं इतना नहीं खाती हूँ, तो क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी कम। आई थिंक चिकन रहता तो शायद और ज्यादा अच्छा लगता, लाइक चिकन रहता तो हम खा भी लेते बट वेज था शायद इसलिए हमने उसको छुआ तक नहीं छुआ, बट मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं होगा ना, मेरे को पता रहता है कि मेरा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, ना ही फूड वेस्ट हो रहा है ना ही पैसा। पैक करा लिया है और मैं शायद किसी बच्चों को दे दूंगी या किसी को भी दे दूंगी एटलीस्ट यार जो भूखा हो। मैं सोची कैसे छोड़ दूंगी तो वो लोग तो निकाल, क्या पता किसी और को भी सर्व कर सकते है ना, क्योंकि वो तो पूरा गोल मटोल था निकाल के सर्व कर दिए तो किसे क्या पता, दैट्स व्हाई मैंने पार्सल करा दी। जो भी ये सब रहता है मोमोज डोसा ये सब जो ट्रेडिशनली जो लोग बनाए हैं ना वैसा ही सही लगता है, ये जो एक्सपेरिमेंटल चीज करते हैं ना आइसक्रीम डोसा चॉकलेट डोसा कुरकुरे मोमोज ये सब बेकार है। और कुरकुरे मोमोज का मतलब ये है कि उसमें कुरकुरे शुरकुरे नहीं था, वो बस एक्स्ट्रा क्रंची था, क्रंची था राइट। सस्ता सा पार्क और सस्ती सी इसका तो पूरा मूड ही खराब हो गया है लग रहा है। ये बोल रहा है कि न्यू वाला चाट ट्राई करते, मेरा तो कुछ मन नहीं है करने का। और बाय द वे वो कुरकुरे मोमोस खाने का सजेशन इसी बंदे का था, मेरा कोई सजेशन नहीं था, मैं तो बस ऐसे स्क्रॉल कर रहा था वो मेन्यू में तो फिर मैंने बोला ये ट्राई करें, बस ये बोला। आज तो पूरा मूड ही खराब हो गया, ये सस्ते से पार्क में हम आए थे ऑक्सीजन पार्क जिसमें मेरे को चलना भी नहीं आ रहा है ढंग से क्योंकि मैंने हील्स पहना है, सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। नॉट नाइस एक्सपीरियंस, आई विल गिव अ बिग थम्स डाउन टू दिस चैलेंज। अगर आप लोग बोलोगे तो लेकिन हम करेंगे। मोमोज को कितना नंबर दोगी 10 में से? मैं सिर्फ 2 नंबर दूंगी, वेज के नाम पे पैसा वेस्ट था, लाइक बड़ा बड़ा था, मैं मानती हूँ कि वो बड़ा बड़ा था बट मुझे मोमोज वगैरह तो अच्छा नहीं लगता सिवाय तंदूरी मोमोज के और चिकन मोमोज के। नेक्स्ट टाइम अगर हमारा प्लान बनता है वियर चैलेंज करने का तो हम अच्छे से धूल धाड़ के जाएंगे, आप लोग के लिए भरपूर कंटेंट देंगे भरपूर। रोलेक्स कोल्ड कॉफी सिप एंड बाइट से ये हमारी फेवरेट। इसको कितना रेटिंग देना चाहोगे 10 में? 11। इतना अच्छा है। कॉफी पीने के बाद जो मैंने पैक कराया था उसे मैं क्यूट से बच्चे को दे देती हूँ। स्टूडियो के बाहर खड़ी हूँ और मैंने वो पैकेट दे दिया एक बच्चे को। उस बच्चे से याद आया कि क्रिसमस वाले दिन मुझे बच्चे मिले थे, उन्होंने मुझे माला पहनाया था। शैतान थे और बड़े बहुत बदमाश बच्चे थे, बहुत फ्लर्ट मार रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, मुझसे शादी भी कर ली और मुझे बोलते कि बस्ती ले जाए, आपको बोलता है तेरे जैसी मैं बहुत पटा लिया हूँ, चलेगी मेरी बस्ती। वीडियो देखो आप लोग, अवेयरनेस के हिसाब से बोला जाए तो ये बहुत बुरा है, ऐसा नहीं सीखना चाहिए छोटे छोटे बच्चों को, उनको कुछ एजुकेशन मिला ही नहीं है तो फिर यही करेंगे ना। का बोल रहे बोल ले, आई लव यू। लड़की हो गई ब्याह नहीं करा, ब्याह कर जल्दी। एक गाली नहीं देते हैं, गलत बात है। ओम नमः शिवाय। बोल आगे मैं बता चुके हैं छोटे छोटे कौन ला बोल रहा पटा लिया, मेरे से उतनी उतनी बड़ी लड़कियां हैं इनकी बस्ती में है ना, कौन है मोर तो नहीं है ही, अरे ये लोग मेरा शादी कर रहे हैं। देखो मंत्र पढ़ो मंत्र, पहले खा ले मिठाई, खा मिठाई खा, क्या कर रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए, मिठाई खा दो, आ मैं पहना दूँ, मैंने ये वीडियो बाद में देखा तो ये मुझे बहुत ज्यादा हिट करा। दस नंबर गोली खिलाऊ, बियर पियाऊ कहाँ थे, दस नंबर गोली और दस वाले दस नंबर की गोली का भंग गोली खुआऊ तो भंग गोली। मेरे फ्रेंड ने आके उन्हें भगा दिया, बस स्टिल ये बहुत डेंजरस हो सकता था। गाइज आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट बच्चों वाला वीडियो, अवेयर करें और बच्चों को जो मिले आपको ऐसे अवेयर करें। चलो लो क्या क्या अवेयर,
अरे वो बच्चों का अवेयरनेस की बात कर रही हूँ, ऐसे बच्चे मिले तो समझाओ उन्हें। तुमने क्यों नहीं समझाया? तुमने तो भगा दिया उनको, मुझे समझाने का मौका ही नहीं दिया। मेरे बाइक में उन लोग कचरा कर रहे थे, मेरे को वो लोग मेरे ऊपर फूल छिड़क रहे थे, मुझे पटा रहे थे। अवेयर रहे और ऐसे स्कैम से बचें और बचाएं। अच्छा लग रहा है कि नहीं बताओ कमेंट करके दोस्तों। एक्स्ट्रा स्मॉल रहना इज इम्पोर्टेंट। आई एम सो कंफ्यूज्ड। बिस्किट इतना खाते हो? बाय वन गेट वन फ्री फायदा है मेरा फेवरेट। ऐसे क्या पकड़ी हो इतना सारा सामान? तुमसे हैवी तो सामान लग रहा है। खरीदारी है ये, खरीदारी मेरा खरीदारी है ना? मेरा मेरा है मेरा। अरे तुम्हारा था मेरा बट पूरा मेरा। हाँ देखिए एक दो सामान तो मेरा ही है, तुम्हारा बस वो है अजीब सा चीज। Yes, whatever. So guys, do like, share, subscribe to my channel. गिर मत जा, गिर जा रही है लड़की। ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, मैं अच्छे अच्छे कमेंट को फ्लैश कर दूंगी झकास से। और तब तक बाय बाय एंड कॉम्प्रोमाइज कर लेना इस व्लॉग को, ओके?